हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईएसएम तंबीज। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो देखने वाले हैं। वो क्या है? जो भूतपूर्व सैनिक है हमारा, जो फाइटिंग फर्स्ट परिवार का जो भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, उनका फाइनेंशियली जो हेल्प हो सके तो उसके लिए एक हमारा फाइटिंग फर्स्ट का एक ट्रस्ट बनाया गया हाल ही में। तो उस ट्रस्ट क्या क्या काम करती है और उस ट्रस्ट की मदद से हम कैसे उनको मदद पहुंचा सकते हैं, तो हमारा फाइटिंग फर्स्ट का जो परिवार है उन तक, जो गरीब परिवार है जो उनका मदद चाहिए उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो पूरा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आपके सभी से एक अनुरोध है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जब सभी फाइटिंग फर्स्ट का परिवार तक इस वीडियो पहुँचे और जो हेल्प हो सकते हैं तो उनको हम जरूर हेल्प पहुँचाएंगे। सभी फाइटिंग फर्स्ट परिवार का नमस्कार। ये खास करके हमारा जो फाइटिंग फर्स्ट का परिवार के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया, इस ट्रस्ट का नाम है फाइटिंग फर्स्ट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के लिए जो कमिटी है उसके अंदर अफसर साहब, जेसीओ साहब और जवान भी इंक्लूड है। हर महीना जनरल बोर्ड मीटिंग होती है जूम के जरिए या एक जगह इकट्ठा होकर के उन लोग आपस में मीटिंग करते हैं। जो उस महीने के अंदर जो भी उनका रिक्वेस्ट आ रखा, जो गरीब है, जो हमारी भूतपूर्व सैनिक के एक्स सर्विसमैन पेंशन जाने के बाद उनका जिंदगी में फाइनेंशियली जो भी दिक्कत आती है, जैसे कोई बंदा डेथ हो जाता है या उनकी परिवार में कोई आपत्ति आ जाती है, उनको पता है नेचुरल कोई डिजास्टर आ जाता है, इस तरीके से काफ़ी सारे कुछ उनकी जिंदगी में फाइनेंशियली जो दिक्कत आ जाती है, उनके लिए मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट का पूरा नाम है फाइटिंग फर्स्ट ट्रस्ट करके रखा हुआ है। और इस ट्रस्ट का काम है जो फाइटिंग फर्स्ट परिवार का जो भी पेंशन जाने के बाद जिस बंदे को भी जो भी दिक्कत है या उनकी बंदा डेथ हो जाता है, उनकी परिवार का जो भी बच्चे का स्कूल फीस का, उनकी माँ बाप का जो भी उनका फाइनेंशियली जो प्रोवाइड हो सकता है, जिस ट्रस्ट की, इस ट्रस्ट की जरिए उनका जो भी मदद पहुँचा सकता है, वो ट्रस्ट जरूर उनकी समस्या को सुन करके उनकी लेटर के माध्यम में या व्हाट्सएप के माध्यम में, फ़ोन के माध्यम से, जो भी इस वीडियो को देखते हैं मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ, उस फ़ोन नंबर के जरिए कॉल करके आप बता सकते हो। जो भी फाइटिंग फर्स्ट परिवार का इस देश भर में जो भी है, जो पेंशन जा चुका पुराना बंदे लोग, पुराना सीनियर लोग, जो भी इनका नज़दीक जो रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो आप इन ट्रस्ट को नंबर है सार का नंबर मैं दे देता हूँ, इस ट्रस्ट का नंबर है, तो उनसे आप कॉल करके जरूर उनकी समस्या को, उनकी परिवार का बारे में बता दो। तो उस ट्रस्ट क्या करेगी, हर महीना एक जनरल बॉडी मीटिंग होता है, तो उस मीटिंग में इन बंदे का जो प्रॉब्लम के बारे में उसमें डिस्कशन होती है और उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम को सुन करके, तो इस ट्रस्ट की जरिए जो भी मदद हो सकती है, छोटा बड़ा वो नहीं होता, जो भी मदद इस ट्रस्ट की जरिए उनकी परिवार को जो दे सकते हैं वो 100% देंगे। यही इस ट्रस्ट का मेन मुद्दा है और इसी की चलते हुए इस ट्रस्ट प्रॉपर रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और इसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो रखा और इसकी ऑडिटेबल ट्रस्ट है। जो भी पैसा आ रहा है प्रॉपर रिसिप्ट बना करके दे देते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, जो भी आप लोग मदद करते हो तो उसकी रिसिप्ट 100% दिया जाता है। खास करके जो विदेश में रहते हैं और IT कंपनी वगैरह में जो भी काम करते हैं और उनका जो मदद कर सकते हैं दूसरे को, एक दूसरे को हम जो मदद कर सकते हैं, एक सर्विसमैन नहीं कि उनकी बेटी है, बेटा है और उनकी फादर मदर है, जो भी है उनकी रिलेशन में है, जैसे मैं एक सर्विसमैन हूँ, मेरे रिलेशन में 2-3 बंदे लोग विदेश में रहते हैं, तो उनसे मैं स्ट्रेस का बारे में बता करके उनसे जो भी फंडिंग हो सकता है, फंडिंग छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप 100 रुपया भी देंगे वही उनके लिए बहुत बड़ा है, तो हर बंदा 100-100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जो भी उनसे हो सकता है, कोई इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, आपसे जो भी हो सकता है आप इस ट्रस्ट के माध्यम से आप दे दो। उसके लिए आपको 80G का जो टैक्स डिडक्शन है वो भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इनकम टैक्स फाइल करते टाइम ये दे करके आप टैक्स छूट भी ले सकते हैं, आपको पता है, और उसके लिए प्रॉपर रिसिप्ट आपके पास पहुँचाया जाता है। और जो इसकी पैसा भेजने का जो भी तरीका है वो GPay के थ्रू या UPI, जो भी QR कोड स्कैनर या डायरेक्ट आप चेक के जरिए कर सकते हैं या जो भी जिस मोड से आप पेमेंट कर सकते हो आपकी मर्जी है, मैं सारे चीज़ इसमें दे देता हूँ, आप देख सकते हो, आप इसमें वीडियो में दे सकते हो, QR कोड भी दे रखा, उसके बाद बैंक अकाउंट या IFC कोड नंबर सारे चीज़ दे सकता हूँ। तो आपसे एक अनुरोध है,
आप ये स्ट्रेस के लिए आपसे जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। अगर आपसे पैसा नहीं दे पाएंगे, आप थोड़ा सा दिक्कत है, तो आपकी दोस्त वगैरह, आपके परिवार में जो भी हिस्सा है, और उनसे इन स्ट्रेस के बारे में बता दो। और ये स्ट्रेस अभी तक काफी बंदे को मतलब पहुंचा दिया, और उसके लिए खास करके जो हैवी डिशिश हो, जो अपना कैंसर वगैरह जो डिशिश है, और बच्चे का जो शादी का है, और स्कूल की बच्चे का फीस भरते हैं। हाल ही में मेरे पास एक केस आया जो हमारी तमिलनाडु के अंदर है, मदुरई में है। ब्राव कंपनी का एक नायक वायादुरई करके सर डेथ हो गया था, तो उनकी माँ परिवार तक मैं उनके पास गया, तो उनकी काफी दिक्कत है फाइनेंशियली। कि वो बंदा जब डेथ हो जाता है, तो उसके लिए बच्चे को पढ़ाई करना, जो भी कुछ करना है, तो उनके लिए दिक्कत रहती है। तो उनकी समस्या को सुन करके, उनको लेटर ले करके, तो हमारे शांडोम साहब, रेड्डी साहब, इनको मैं पहुँचाया। आप ऐसा ऐसा बात हो रखी है, इनको दिक्कत ये हो रही है, तो आप जो भी उनको मदद दे सकते हैं, तो आप उनको जरूर हेल्प कीजिए करके मैंने रिक्वेस्ट रखा था। तो साहब लोग सुन करके, उनके पास डायरेक्ट साहब लोग फोन करके बातचीत कर करके, हलचल पूछ करके, तो उसके ऑडिशन जनरल बॉडी में ऑडिशन लेकर के, तो उन वैयादुरई सर का जो भी उनका मैडम है, उनके पास डायरेक्ट उनकी बैंक अकाउंट में तकरीबन 20,000 रुपया पहुँचाया। तो उनका मदद मतलब उनकी मुंह से ये सुन लीजिए। வணக்கம் சார், என் பேர் சரஸ்வதி. நான் முன்னாள் இராணுவ வீரர் நாயக் வையத்துறையின் மனைவி. எனது கணவர் இறந்து 2 வருடங்கள் ஆகின்றது. நான் இஎஸ்எம் தம்பிஸ் குரூப்பில் இருக்கேன். மாணிக்க சார் தான் அந்த ஃபைட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரஸ்ட்டு பற்றி சொன்னார். நான் அந்த ஃபைட்டிங் ஃபர்ஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட்டு சண்முக சார் மூலமாக கோரிக்கை வச்சேன், பிள்ளைங்க படிப்பு உதவி உதவிக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார்னு. அந்த சார் என்னோடய வங்கி கணக்கில் 20,000 போட்டிருக்காங்க. இது என் பிள்ளைங்க படிப்பு செலவுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு அந்த ஃபைட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரஸ்ட் மூலம் உதவி அனைத்து அண்ணன்மார்களுக்கும் நன்றி. 20,000 रुपया पहुंचाया, रकम कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं होता, लेकिन अपनी जो परिवार का जो भी हमारा से हो सकता है, पेंशन जाने के बाद हमारा जो फाइटिंग फर्स्ट है, फाइटिंग फर्स्ट का जो भी परिवार इकट्ठा होकर के किसी को मदद कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा है। तो उनकी बच्चे को जिंदगी के लिए पढ़ाई करने में जो भी उनका छोटा बड़ा हेल्प हो जाता है, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खास करके जो फाइटिंग फर्स्ट का हिस्सा है, जो भी परिवार भूतपूर्व सैनिक है, जो भी है, तो उनकी परिवार तक इस पहुँचा दो। और उनसे जो फैमिली में जो भी वेल सेटल्ड है, जो खास करके जो विदेश में रहते हैं और जो अच्छा खाता नौकरी करते हैं, तो खुद नहीं कर रहे हैं, तो उनके परिवार में जो भी होगा, उनसे बता करके इन ट्रस्ट के लिए उनसे जो भी हो सकता है हेल्प कीजिए। हेल्प करने से हम दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है सर। अगर आपको इसका इस ट्रस्ट कैसे काम करता है, कैसे करता है, जो भी इसका डाउट है, तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उस मोबाइल नंबर में आप कॉन्टेक्ट कर करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। प्रॉपर इस ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और प्रॉपरली इसका अकाउंट वगैरह ऑडिट वगैरह हो करके सभी को हेल्प किया जाता है। और मैं आपसे आखिरी में यही उम्मीद करता हूँ, जो भी फाइटिंग फर्स्ट का परिवार का जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया है, इसके अंदर शेयर कीजिए। शेयर करने से कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस के लिए कुछ मदद मिल जाए, तो वही इस वीडियो डालने का मेन मकसद है। थैंक यू वेरी मच।